नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और चलिए आज का सफर शुरू करते हैं एक स्माइली के साथ। अरे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी भूत की नहीं ग्रास की स्माइली है। हैं? है नहीं, हाँ घास माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी दिखती है। और ये अलग अलग स्माइली असल में वेस्कुलर बंडल्स हैं जो ग्रास की जड़ से टिप तक पानी पहुंचाती हैं। पर अगर आप इस आम सी घास को देखकर शॉक हो गए तो अगले वाले को देखकर तो आप अरे रे ची ची ये क्या था बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ और नहीं बल्कि आपके ही शरीर का ऐसा हिस्सा है जिसे आप रोज देखते हैं। पर वो क्या है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, हालांकि तब तक आप ये जरूर देख सकते हैं। अब बताओ ये क्या हो सकता है? आपके सारे गेसेस रॉन्ग हैं क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि बेकिंग, कुकिंग, बॉडी बिल्डिंग, डाइटिंग सब में शामिल होने वाला फल बनाना है जो माइक्रोस्कोप में किसी ऐतिहासिक मूवी का सेट लग रहा है। और जानते हो इसकी खास बात क्या है? इसके और हमारे जेनेटिक्स में 60% सिमिलैरिटी होती है, मतलब केले हमारे कजिन्स हैं। लाइक रियली? खैर इन बातों को छोड़ते हैं पीछे और आप बढ़ते हैं आगे इसके साथ। नाना ये किसी भी जीव जंतु का अंडा नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसी चीज है जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी कई अनबिलीवेबल और कॉमन ऑब्जेक्ट्स के माइक्रोस्कोपिक नजरिए से भरा है हमारा आज का सफर जिसका नाम है कॉमन ऑब्जेक्ट्स अंडर माइक्रोस्कोप। नंबर 1, ह्यूमन स्किन पोर। ये स्किन काफी फ्लॉलेस लग रही है ना, ऐसी स्किन हमारी भी हो जाए यही सोच रहे हो। पर जानते हो ये माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगी? बिल्कुल ऐसी, पर यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये है हमारे स्किन पोर्स और ये पोर्स माइक्रोस्कोप में काफी रफ दिखाई देते हैं। फिर चाहे आपकी स्किन ऊपर से कितनी भी सॉफ्ट क्यों ना हो, और पता है असल में आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चर देकर सॉफ्टी सॉफ्टी बनाने में इन पोर्स का ही हाथ होता है क्योंकि ये पोर्स ऑयली और वैक्सी सब्सटेंस सेबम को रिलीज करते हैं। और अगर पुराने सेल्स और डेड स्किन की वजह से सेबम का एक्सक्रेशन ब्लॉक हो जाता है तब हमें पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए पोर्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उनका ओपन रहना जरूरी है। तो अब आप बताइए आपको अपनी ये माइक्रोस्कोपिक स्किन को देखकर कैसा लगा? नंबर 2, लिपस्टिक। अब बात करते हैं औरतों की फेवरेट लिपस्टिक की जिसको लगाने के बाद जिला हिले या ना हिले लेकिन इसे माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आप जरूर हिल जाएंगे। खुद ही देख लो। देखा आपने ये लिपस्टिक का मार्क माइक्रोस्कोप में कितना एलिगेंट और रॉयल दिख रहा है। लेकिन यही मार्क अगर आपके गालों पर लगता तो और ज्यादा सुंदर दिखता है ना। सोचना भी मत, अब्बा तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, इसीलिए अगर मैरिड हो तभी ये सब सोचना वरना जाने दो। पर एक राज की बात बताऊं, एंशियंट इजिप्ट में वाकई में लिपस्टिक को स्टेटस सिंबल माना जाता था, इसीलिए तो वहां के मेल फीमेल सभी लकड़ी को गीला कर उसे मैजेंटा, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज और रेड कलर को अपने लिप्स पर लगाते थे और अपनी रॉयल्टी पर इतराया करते थे। हाँ ये बात और है कि अब तो ऐरा गहरा नत्थू गहरा सब लिपस्टिक लगाने लगे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड इन दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना है? ऐसे ही कूल और अमेजिंग वीडियोस बनाने हैं। सुपर पावर्स कोल्स जैसी बड़ी सी चीज से वाकिफ कराया था। लेकिन एक मिनट, क्या आपको वाकई में लगता है कि यूट्यूबर सिर्फ वीडियोस अपलोड करके यूट्यूब पर पैसे कमाता है? Well, बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख लो, 7 सक्सेसफुल चैनल्स, यूट्यूब इंडिया का टॉप साइंस चैनल और 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस। और ये सब की शुरुआत हुई सिर्फ और सिर्फ बस एक यूट्यूब चैनल से। इतना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल। लेकिन एक सेकेंड गौरव, ये सब करने के लिए मैं खुद का पैशन कैसे ढूंढूं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करूं? वायरल टॉपिक्स कहां से ढूंढूं? वीडियो बना के पैसे कैसे कमाऊं? एक चैनल तो खोल लिया लेकिन अब दूसरा चैनल कैसे बनाऊं? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यूट्यूब चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोल पाऊं? Well, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक्चुअली में जाना होगा पास्ट में, पुराने गौरव से मिलने, उसके हजारों गलतियों से सीखने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सक्सेस के सीक्रेट्स जानने। सो फ्रेंड्स, अगर आप रेडी हो मेरे साथ मेरे पास्ट के सफर पे चलने के लिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और इस कोर्स पे रजिस्टर कर लो जहां पे आपको आपका खुद का पैशन ढूंढने से लेकर उसके अराउंड सोशल मीडिया में एक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और उस ऑडियंस की मदद से दूसरे चैनल्स कैसे खोलने हैं और उस चैनल्स की मदद से बिजनेसेस कैसे खोलने हैं, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर्सनल स्टोरीज और प्योर 100% प्रैक्टिकल रियल लाइफ इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू जिसमें आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जब तक आपको
सेटिस्फैक्टरी आंसर ना मिल जाए। वो बुलशिट बातें नहीं होंगी कि अच्छे वीडियोस बनाओ, कंसिस्टेंटली अपलोड करो वगैरह वगैरह। मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मतलब जैसे MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स है, MSc मास्टर ऑफ साइंस है, वैसे ही सिर्फ 2,000 रुपए में आप मास्टर ऑफ यूट्यूब बन जाओगे। अब फ्रेंड्स, वैसे तो इस कोर्स की रियल वैल्यू 20,000 रुपीज है, क्योंकि आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है, बट ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसलिए हम ये सिर्फ 2,000 में ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट 100 रजिस्टर करने वाले लोगों में से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 1,000 रुपए में। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई योर करियर। नंबर 3, पेंसिल पॉइंट। लिखने वाली पेंसिल के अंदरूनी हिस्से या यूं कह लो उसकी जान यानी लेड को कभी बारीकी से देखा है या बस उसकी चोरी की है? तो ये देख लो, कड़क पेंसिल की कोमल लेड, ये है ग्रेफाइट, जिसे पेंसिल का लेड और उसकी जान भी कहा जाता है। लेकिन वेट, पेंसिल की लेड सिर्फ ग्रेफाइट से नहीं बल्कि क्ले और ग्रेफाइट के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, पर ये माइक्रोस्कोप में इतनी ब्यूटीफुल दिखेगी, किसने सोचा था। नंबर 4, बैंडेड। अब आते हैं एक ऐसी सामग्री पर जो फर्स्ट एड की किट में मैंडेटरी और हर छोटी चोट का सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। ये है बैंडेड, जिसके एब्जॉर्बेंट पैड का नजारा आपने माइक्रोस्कोप में देखा है, और इस नजारे में जो ग्रे थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं, बस वही आपके बैंडेड को किसी चोट से चिपकने का मौका नहीं देते। और उसके साइड में होल्स में जो वायर जैसी चीज आपको नजर आ रही है, वही इस बैंडेड को एब्जॉर्बेंट यानी आपका दर्द ठीक करने लायक बनाती है। एंड इंटरेस्टिंगली, ये जो होल्स हमें नजर आ रहे हैं ना, वो 400 माइक्रोन लंबे होते हैं, जिन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। नंबर 5, स्नोफ्लेक्स। जानते हो ये क्या है? ये है स्नोफ्लेक, आसमान से गिरने वाली बर्फ का एक छोटा और खूबसूरत सा टुकड़ा, जो माइक्रोस्कोप में इतना बड़ा और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। पर जानते हो इन स्नोफ्लेक्स की खास बात क्या है? इनका अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग शेप्स फॉर्म करना। जैसे मान लीजिए कोई रीजन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ स्नोफ्लेक का शेप टाइनी प्लेट जैसा होगा। वहीं अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये स्टार शेप फॉर्म करेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा था कि ये स्नोफ्लेक्स जितने अट्रैक्टिव ऊपर से दिखते हैं, उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव ये माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। नंबर 6, बॉल पॉइंट पेन। अब आते हैं उस बॉल पॉइंट पेन पर जिससे हम आज तक लिखते आ रहे हैं, लेकिन हमारा ये साथी माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। पर दिखने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये पेन का ये पॉइंट ब्रास, स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनते हैं, जो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा नजर आता है, यानी अपने आप में ही इसने इनविजिबल गैलेक्सी बनाई हुई है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि पेन के पॉइंट में यूनिवर्स का इससे भी बड़ा नजारा लोगों को दिखाने के लिए हैदराबाद के आचार्य मखनूरी श्रीनिवासा ने दुनिया की सबसे बड़ी बॉल पॉइंट पेन बनाई थी, जिसकी हाइट 18 फीट 0.53 इंचेस थी। अब सोचो, अगर इसी पेन से आप लोगों को कहीं सिग्नेचर करना होता तो आप कैसे करते? नंबर 7, न्यू एंड ओल्ड स्पंज। बर्तन धोने और सफाई में काम आने वाला मम्मियों का फेवरेट हथियार स्पंज। ऊपर से तो सॉफ्ट और नीचे से हार्ड, लेकिन अंदर से ही हमारे दिमाग से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये है इसका पहला साफ सुथरा वर्जन और दूसरा है इसका गंद से भरा वर्जन। हालांकि दोनों में सिमिलरिटीज हैं, इनका मधुमक्खी का छत्ता, जहां शहद तो नहीं लेकिन हनीकॉम्ब जरूर दिखता है। फर्क बस इतना है कि एक वर्जन देखने में आपको मजा आएगा तो वहीं दूसरा देख के आपका मन या करने लगेगा। नंबर 8, सिगरेट पेपर। अब बारी आती है चर्सियों की तलब और लोगों के बड़े बड़े शौक के एक छोटे से हिस्से सिगरेट पेपर की, जो ऊपर से कूल लेकिन अंदर से खतरनाक होते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। पर आप यही सोच रहे हैं ना कि इसमें खतरनाक क्या है? तो इसमें खतरनाक है ये ब्लू क्रिस्टल्स, जो सिगरेट मेकिंग कंपनीज द्वारा यूज किए गए केमिकल से बने हैं, क्योंकि सिगरेट कंपनीज सिगरेट के साथ ही उसके पेपर को बनाने के लिए भी ऐसे कई केमिकल्स यूज करती हैं, जिसे वो पेपर यूनिफॉर्मली जले और उसके अंदर का टोबैको बाहर ना गिरे। इसीलिए जब ये पेपर जलता है तब माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ सिगरेट ही नहीं, उसका एक सड़ा सा पेपर भी जानलेवा हो सकता है। नंबर 9, एस्पिरिन विद वाटर। सर्दी, खांसी, कील मुहासे, दाग, खाज सबको गायब करने के लिए यूज होने वाला एस्पिरिन ऐसे तो काफी इफेक्टिव है, लेकिन पानी में घुलकर ये ऐसा क्या करता है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं? तो गाइस, पानी और एस्पिरिन का रिएक्शन बबल्स बनाता है, जो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है। और यही बबल्स रिएक्शन की वजह से सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एसिड बनाते हैं, जिनका यूज कर हम हमारे हर मर्ज की दवा बना लेते हैं। है ना कमाल? नंबर 10, नीडल एंड थ्रेड।
ये जानते हो कौन सी चीज है? मैं बताता हूँ, ये वो वस्तु है जो हर घर में जरूरत से ज्यादा कॉमन है और इसके बिना आपके कपड़ों में टांका तक नहीं लग पाता। यस, सही समझे, ये है सुई और धागा। और जो माइक्रोस्कोप में आपको धागों का पूरा झुंड दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एक ही धागा है जो कई पतले यान से बनता है। तभी तो धागे और सुई के बीच का सफर इस झुंड की वजह से इतना दूर हो जाता है कि हम धागा डाल डाल कर थक जाते हैं, पर ये कमबख्त है कि सुई में जाता ही नहीं। पर धागों की जानकारी तो मिल गई आपको, लेकिन जानते हो पुराने जमाने में ये सुई कैसे बनती थी? दरअसल आज से 61,000 साल पहले सुई को बोन, एनिमल हॉर्न, थॉर्न्स, फिश बोन्स एंड वुड से बनाया जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे चेंजेस आए, सुई ब्रोंज और स्टील से बनने लगी है। वैसे मैं ये भी बता दूं कि सुई धागे के रिश्ते में इतने धागे होते हैं, ये मैं भी नहीं जानता था। नंबर 11, स्ट्रॉबेरी। याद है ना ये? यस, इट्स नॉट अंडा, क्योंकि ये है हम सब का फेवरेट फ्रूट जिसके बिना हर डिजर्ट हमें इनकम्प्लीट लगता है। नहीं समझे? अरे भाई, ये है स्ट्रॉबेरी जो माइक्रोस्कोप में काफी शी करने लायक लगता है, पर आपने जो अभी इसके बाहरी सरफेस पर अंडे जैसा देखा वो एक्चुअली में इसके सीड्स हैं जिस पर कभी कभी माइट्स बैठे होते हैं। हाँ, इनविजिबल माइट्स। और आप तो जानते ही, स्ट्रॉबेरीज एक इकलौते ऐसे फल हैं जिसके सीड्स बाहर होते हैं। एल्दो ये सब देखने के बाद आपका इसे खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन मैं बता दूं स्ट्रॉबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स की खान होती है, इसीलिए तो बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में इनमें 160% ज्यादा विटामिन सी होता है। और इसीलिए मैं भी यही कहूंगा कि इसे खाना मत छोड़ना, बस खाते वक्त उन माइट्स का या इसके माइक्रोस्कोपिक तस्वीर को याद मत करना बस। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल। तो जल्दी रजिस्टर करो, पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1,000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट इट फ्लाई। और दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इन डे टू डे चीजों का माइक्रोस्कोपिक नजरिया आपने कभी ना सोचा होगा और ना देखा होगा, पर कोई बात नहीं, मैंने दिखाया, आपने देखा, एक ही बात है। इसीलिए अगर आज आपको हमारा ये माइक्रोस्कोपिक नजारे अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इन सब में कौन सा नजारा आपकी कल्पना से एकदम परे था वो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन माइक्रोस्कोपिक, टेलीस्कोपिक, बायोस्कोपिक, ओडोपिक जैसे और भी कई नजारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही हमारी किसी भी वीडियो की अपडेट को मिस नहीं करने के लिए बेल आइकन हिट कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए नजारे और नजरिए के साथ। जय हिंद।